यूपी के झांसी में पुलिस को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना बहुत भारी पड़ गया। दरअसल झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जीआरपी लाइन के पास पुलिस और लोगों के बीच भारी बवाल हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि फिर लोगों ने वर्दी पहने पुलिस अफसर को भी मार मार कर धूल चटा दी। घटना से मिली जानकारी के मुताबिक कमल सिंह कॉलोनी के निवासी 25 वर्षीय आदर्श एक कार की एजेंसी में काम करते हैं। गुरुवार की रात आदर्श ऑफिस से बाइक लेकर घर आ रहा था। जब वो जीआरपी लाइन के पास पहुंचा तो उसकी बाइक पैदल जा रहे एक पुलिसकर्मी से टकरा गई। इससे पुलिसकर्मी चंद्रप्रकाश थोड़ा सा घायल हो गया, जिसके बाद चंद्रप्रकाश के साथ जा रहे 3 पुलिसकर्मियों ने आदर्श को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर डाली। जानकारी के मुताबिक सभी पुलिसकर्मी बुरी तरह से नशे में धुत थे। सूचना पर आदर्श के पिता विनोद मौके पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों से बातचीत करने लगे, जिस पर पुलिसकर्मियों ने आदर्श के पिता के साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसमें उनके दांत तक टूट गए। हंगामा होते देख सड़क पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों ने उनसे भी अभद्रता कर डाली। फिर पुलिसकर्मी जीआरपी लाइन के अंदर चले गए और साथ में आदर्श की बाइक भी अपने साथ उठा कर ले गए। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। घटना के बाद मारपीट में शामिल एक सिपाही पुलिस लाइन से बाहर आ गया, वो भी नशे में बुरी तरह से धुत था। लोग उससे बाइक के बारे में बात करने लगे, लेकिन उसमें वर्दी की अकड़ बरकरार थी और भीड़ के साथ ही गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद भीड़ बुरी तरह से आग बबूला हो गई और फिर लोगों को न पुलिस की वर्दी दिखी और ना ही पुलिस। गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मी को जमीन पर लिटा लिटा कर खूब पीटा। भरे बाजार में पुलिसकर्मी को दौड़ा दौड़ा कर उसका सारा नशा उतार दिया, मगर गुस्साई भीड़ ने खूब लात घूसों से उस पुलिसकर्मी की पिटाई कर डाली। सूचना पर प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह स्थिति को काबू किया गया। करीब 30 मिनट बाद हंगामा शांत हुआ। फिलहाल दोनों पक्षों के घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जब नाश मनुष्य पर छा जाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ जीआरपी के पुलिस कर्मियों के साथ। सर पर वर्दी का रौब, घमंड और शराब का नशा इस कदर सवार था कि फिर पुलिस को ना अपने पद की गरिमा दिखी ना अपनी कोई जिम्मेदारी, और पुलिस मामले को शांत कराने के बजाय खुद विवाद को बढ़ाती चली गई। और हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अगर पुलिस ही इस तरह से शराब के नशे में धुत होकर लोगों के बीच घूम रही है तो फिर देश की रक्षा आखिर कर कौन रहा है? कानून की रक्षा करने वाले कानून के चिथड़े उड़ा रहे हैं, तो फिर सरकार का अपनी पुलिस के प्रति इतना ढीला रवैया कैसे है? योगी सरकार के राज में गुंडे माफिया तो छोड़ ही दीजिए, खुद पुलिस अपने कुकर्मों पर बेकाबू है। आखिर योगी सरकार ऐसे पुलिस अधिकारियों को सबक कब सिखाएगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।